21 दिसंबर को ETVB और सर गंगा राम हेरिटेज फाउंडेशन की जानिब से भारतीय हिंदू यात्रियों के लिए लाओ समाधि यात्रा और इस्तकबालिया का एहतमाम किया गया। इस मकसद के लिए तारीखी शाही कला लाहौर में एक खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। हर साल भारतीय हिंदू यात्री चकवाल के करीब तारीखी कटास राज मंदिरों में मजहबी रसूमात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आते हैं। कटास राज मंदिरों में रसूमात अदा करने के बाद यात्री लाहौर में लाओ समाधि का दर्शन करने आते हैं, जिसकी हिंदू मजहब में बड़ी मजहबी और तारीखी अहमियत है। लाओ समाधि पर सर गंगा राम हेरिटेज फाउंडेशन और एविक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने भारतीय यात्रियों का हैर मकदम किया। यात्री समाधि पर अपनी रसूमात अदा करने के बाद एक तकरीब में जमा हुए। तकरीब से खिताब करते हुए हिंदुस्तानी हिंदू यात्रियों के ग्रुप लीडर संजीव कुमार और राकेश अरोड़ा ने तकरीब के इनेकाद और इनकी यात्रा की मेजबानी करने पर सर गंगा राम हेरिटेज फाउंडेशन और एविक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड का शुक्रिया अदा किया। तमाम यात्रियों ने कहा कि इस यात्रा के दौरान पाकिस्तानी अवाम, हकूमती नुमाइंदों और अदारों ने हमारा बहुत ख्याल रखा। हम इस प्यार और मोहब्बत को कभी नहीं भूलेंगे। हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है जो भारतीय मीडिया हमें पाकिस्तान के बारे में दिखाता है। पाकिस्तान अमन और मोहब्बत की सरजमीन है। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा किया, जिसने हिंदू यात्रियों की आमदोरफ्त, रिहाइश और तिब्बी अमदाद के बेहतरीन इंतजाम किए। डॉक्टर गंगारा हेरिटेज की फाउंडेशन को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि जिन्होंने इस समागम करने के लिए जो हमारे यहाँ पधारे हैं। थैंक यू वेरी मच। क्लैपिंग इनके लिए। जो हमारी यात्री टाटा नगर और हमारे पूरे भारतवर्ष से आए हैं, मैं सभी का शुक्रगुजार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और कोटि कोटि प्रणाम, ओम नमः शिवाय। चूंकि ये यात्रा 87 यात्रियों का यहाँ पे वीजा के थ्रू आई है, इससे पहले भी कई बार यहाँ पे यात्रा हो चुकी है, जैसा कि 39 साल का इतिहास है। इतने सिक्योरिटी में स्वीपर से लेके खाना बनाने तक जितने कर्मचारी हैं, इन सब का जितना धन्यवाद किया जाए तय दिल से बहुत कम है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इतने अच्छे अरेंजमेंट किए हुए हैं, पग पग पर हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे सहयोग के लिए कर्मचारी खड़े हैं। इवन देन इनके बड़े ऑफिसर साहब हैं, वो भी रात को सुला के जावे, सुबह आके चाय की पूछते हैं। इससे बड़ा स्वागत हो नहीं सकता। और आप हमारी जो यात्रा है गंगाराम फाउंडेशन को, हम बहुत बहुत तहे दिल से और भी इनका शुक्राना करते हैं कि इन्होंने डिटेल से भी बताया, और आगे भी आपको विश्वास दिलाते हैं ज्यादा से ज्यादा शिव जी के नाम पे सब आएंगे, और केवल आएंगे नहीं, श्रद्धा के साथ, प्रेम भाव के साथ, और आपका पैगाम आवाम को देंगे। और ये जो धार्मिक यात्रा थी, इसमें तो मैंने देखा सभी में सेवा भाव था, चाहे वो यहाँ वाले जो हमारा अरेंजमेंट कर रहे थे वो हो, या जो ना हमारे साथी हो, सभी में सेवा भाव खूब था। दूसरा था सहयोग। अब जैसे मेरे जैसे आदमी, सीनियर सिटीजन, जिनकी टांगें जवाब दे गई हैं, जिनको उठने बैठने में भी दिक्कत है, मुझे कहीं महसूस नहीं होने दिया, उन्होंने जो है ना हर तरह का जो है ना मुझे सहयोग दिया। एंड इन्होंने बिलीव मी, लाइक वहाँ पे मेरी मम्मी डरी हुई थी कि तू पाकिस्तान जा रहा है प्लस मूर्तियाँ लेके जा रहा है। हमने तो इतना भी सुना कि भाई मूर्तियाँ वहाँ पे पता नहीं क्या कैसा ये होगा, लेकिन जो भी मैंने सुना था ये केवल यू नो लाइक ये बहुत गलत फहमी में हम लोग है। यहाँ पे मूर्तियाँ जैसे ही मैंने वाघा बॉर्डर क्रॉस की, फराज साहब ने अपनी सारी टीम को भेजा, इन्होंने सारी मूर्तियाँ बहुत ही आदर और आतिथ्य के साथ में, देखो सारे उसमें से कोई हिंदू नहीं था, सारे मुस्लिम थे, और उन्होंने इतना इतना रिस्पेक्ट दिया मूर्तियों के कि साक्षात मतलब जैसे हम भी नहीं शायद दे पाएंगे। मैं पता नहीं मतलब कभी कभी लाइक जो है ना, मैं यहाँ से जब भी जाता हूँ तो मेरे आँखों में आंसू भर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मोहब्बत मिलती है, इंसान मोहब्बत का ही भूखा है। तो मैं दोबारा सबका थैंक्स व्यक्त करना चाहता हूँ। इसके बाद सर गंगाराम हेरिटेज फाउंडेशन और एविक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की तरफ से यात्रियों में सरोपे तकसीम किए गए। तकरीब का अहतमाम रिफ्रेशमेंट के साथ हुआ।
वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।